हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पीजे टेक पर। मैं हूँ आपका दोस्त पीजे और स्वागत करता हूँ इस वीडियो पर। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे व्हाट्सएप के कूल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से उस बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको मेरे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, हमारा नंबर वन ट्रिक जो होता है काफ़ी अमेजिंग, क्योंकि जब भी आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो एक सिंपल सा फॉन्ट में चले जाता है। तो अगर आप चाहते हैं उसको एक कुछ नए स्टाइल में सेंड करना, तो सीधा आप चले जाए आए आपके कीबोर्ड में और ना आपको फर्स्ट क्या करना है, एक स्टार प्रेस कर लेना है। पहले स्टार प्रेस कर लेना है आपको, फिर आपको जो भी मैसेज देना है जस्ट टाइप कर लेना और उसके बाद जस्ट और एक स्टार आपको प्रेस कर लेना है और फिर उस मैसेज को सेंड कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि आपका जो फॉन्ट है काफ़ी चेंज हो चुका है एक बोल्ड लेटर में। तो गाइस, ये था हमारा नंबर वन ट्रिक, चलते हैं नंबर टू। तो गाइस, हमारा नंबर टू ट्रिक जो है काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। जब भी कोई बंदा आपको मैसेज करता है और आप जब उस मैसेज को देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो बंदा को पता नहीं चले कि आप मैसेज देखें, तो आपको एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करना है। जस्ट आपके व्हाट्सएप के पेज में आ जाना, उसके बाद जस्ट आपको जो है ना फ्लाइट मोड में चले जाना है। उसके बाद जो है आपको मैसेज पढ़ लेना है देख के, और उसके बाद जस्ट आपको जो है ना वहाँ से आपको जाके व्हाट्सएप को काट देना है। तो गाइस, एक छोटा सा प्रोसेस था, उसके बाद आपको जस्ट फ्लाइट मोड को ऑफ कर देना है। तो जस्ट अभी उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज देखा है या नहीं देखा है। तो चलते हैं अपने नंबर थ्री ट्रिक। तो गाइस, आप जब भी आपका व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आप चाहते हो आप यूज़ करते हो थर्ड पार्टी ऐप जो आपका व्हाट्सएप ऐप को लॉक करता है या ऐप लॉक लगाते हो आप। तो गाइस, व्हाट्सएप का एक नया अपडेट है जिसमें आपके व्हाट्सएप में बिन कोई ऐप डाउनलोड करे आपके फिंगरप्रिंट या फेस लॉक दे सकते हो। तो एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपका व्हाट्सएप पेज आपको ओपन कर लेना है, फिर आपको जस्ट क्लिक कर देना है थ्री डॉट्स पर, फिर आ जाना है आपको सेटिंग्स पर। सेटिंग्स आ जाएगा तो आपको जस्ट यूज़ कर देना है आपका अकाउंट को ऑन कर देना है और ऊपर आ जाएगा प्राइवेसी का ऑप्शन। तो प्राइवेसी के बाद आपको सबसे नीचे जाना है, तो आपको दिखा रहा होगा यहाँ फिंगरप्रिंट लॉक, तो जस्ट उसको ऑन कर देना है। फिर आपको यहाँ नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बोलेगा और आपको ऑन कर देना है। फिर आपको यहाँ मांगेगा आपका फिंगरप्रिंट आप कौन सा सेट करना चाहते हो, तो जस्ट आप इसे सेट कर लीजिए। जैसे कि मेरा डन हो चुका है और यहाँ अभी मेरे को पूछ रहा है कि आपको कितना मिनट के अंदर चालू करना है। तो जस्ट मैं इमिडिएटली सिलेक्ट कर चुका हूँ, अभी इसे काट देते हैं। तो देखते हैं अभी हमारा फिंगरप्रिंट जो है एक्टिव हुआ कि, तो जैसे कि मैं ऑन कर लिया हूँ व्हाट्सएप और देखो ये पूछ रहा है मुझे अब कि आपका फिंगरप्रिंट पासवर्ड चाहिए। तो जैसे कि मैं इसे दिया और ये ओपन हो चुका है। तो गाइस, ऐप काफ़ी अच्छा था, तो यूज़ कर लें। और गाइस, नंबर फोर इज़ द बेस्ट ट्रिक। तो गाइस, जो हमारे नंबर फोर ट्रिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गाइस, क्या आपका भी सोचे हो कि किसी का व्हाट्सएप को कैसे हैक कर सकते हैं? तो गाइस, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। जस्ट आपका कोई सा भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए व्हाट्सएप का, और कोई से भी डेस्कटॉप या मोबाइल पर आपको लिख लेना है वहाँ व्हाट्सएप वेब। एक इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हो नंबर वन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है व्हाट्सएप वेब। तो जस्ट उसको ओपन कर लेना है आपको, थोड़ा टाइम लेगा ऑन होने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, एक अलग सा इंटरफेस आ चुका है और मेरे को यहाँ एक बड़ा सा क्यूआर कोड दिखा रहा है। तो चलिए अभी आ जाते हैं उस जिस बंदे का आपको हैक करना है उसके मोबाइल पर। एक बार आपको उसका फ़ोन चाहिए ही होगा, तो जस्ट उस मोबाइल में उसका व्हाट्सअप ऑन कर लेना है आपको और थ्री डॉट्स पे आ जाना है। फिर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सअप वेब का, तो जस्ट आपको उसको स्कैन ओपन कर लेना है। तो वो बोलेगा क्यूआर कोड को स्कैन करना है, तो आपको जस्ट जो आपके क्रोम ब्राउज़र पे जो क्यूआर कोड दिखा रहा है उसको आपको जस्ट स्कैन कर देना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब इसको मैं स्कैन कर रहा हूँ, जैसे कि क्यूआर के कोड को स्कैन करेगा अभी, और जैसे कि स्कैन कर चुका है। थोड़ा देर के बाद जैसे कि आप देख सकते हो उसका मोबाइल और आपका जो था क्रोम ब्राउज़र वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से आप उसका कोई भी मैसेज देख सकते हैं या आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस, था